हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टूबी में। आज हम डिस्कस करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 9 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 290 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक के अंदर जो नीचे में अभी एक सपोर्ट लेवल बन रहेगा वो 280 रुपीज पर बन रहेगा। 280 रुपीज पर स्टॉक के अंदर नीचे में एक सपोर्ट लेवल है, जहां पर पहले भी स्टॉक ने इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद एक बाउंस बैक बना के दिखाया था। यानी यहां से स्टॉक के अंदर 280 रुपीज पर एक वन वे तेजी बनती हुई नजर आई थी, जब स्टॉक ने 348 रुपीज का हाई बनाया था। ऊपरी लेवल पर लगातार स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर एक स्टॉप लॉस रखें 280 रुपीज पर और ऊपर के टारगेट अराउंड 301 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में होल्ड करके रख सकते हैं। ऊपर में जब स्टॉक एक बार 301 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहले भी स्टॉक ने 300 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया था। पर जब तक स्टॉक 300 रुपीज से नीचे है, स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।